साथियों वालेकुम मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ खैर मकदम करता हूँ वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल GS Online ऑनलाइन पर एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर जो के डी ट्रिपल एस बी टी वालों के लिए है और यह वीडियो जो है मानु बी वालों के लिए भी काफी अहम है और इसी तरह साथियों यूपी टी वालों के लिए किसके लिए यूपी टी वालों के लिए भी और एल ग्रेड वालों के लिए भी काफी अहम है यह वीडियो तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ कलीम आजिज और शहरे यार काफी अहम है ये तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बहुत आपको फायदा होने वाला है आज के इस वीडियो के अंदर शुरू करते हैं जे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि कलीम आजिज कौन थे इनका असल नाम क्या था कहाँ पैदा हुए थे कब पैदा हुए थे इनकी किताबें क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं ठीक है ना चलिए इनका असल नाम था कलीम अहमद क्या नाम था कलीम अहमद इनका असल नाम था और ये क्या क्या तखलुस क्या करते थे आजिज क्या तखल्लुस क्या करते थे आजिज वालिद का नाम था किफायत हुसैन और वालिदा मुखर्मा का नाम था उम्मतुल फातिमा शहीद ठीक है पैदाइश जो है 11 अक्टूबर 1926 सौ ईस्वी को पटना में इनकी पैदाइश हुई थी और वफात जो है 15 फरवरी 2015 हजार ईस्वी को हजारीबाग जो कि पटना में ही पड़ता है वहां पर इनकी वफात हुई थी ठीक है कलीम आजिज ने बीए ऑनर्स यानी उर्दू में पटना यूनिवर्सिटी में उन्नीस में अव्वल पोजीशन से बी ऑनर्स किया था कलीम आजिज ने अख्तर और जेर निगरानी बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका के नाम पर मौजू पर मकाला लिखकर पटना सिटी से कहा से साथियों यूनिवर्सिटी से 1965 सौ ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी यानी इन्होंने जो पीएचडी किया था उन्होंने जो पीएचडी किया यानी रिसर्च जो किया अख्तर और एनवी की जेर निगरानी और इनका जो मौजू था रिसर्च का वो था बिहार में उर्दू शायरी का इर्तका और बाद में दफ्तर गुम गश्ता के नाम से शायद हुआ यही उर्दू शायरी का इर्त कलीम आजिज को जानशीन मीर कहा जाता है जानशीन मीर किसको कहा जाता है कलीम आजिज़ को कहा जाता है कलीम आजिज की शायरी के बारे में कहा जाता है कि उनकी शायरी का खमीर 1946 सौ ईस्वी के फसाद से तैयार हुआ 1940 यानी जंग आज़ादी से पहले जो फसाद बरपा हुआ था कलीम आजिज छोड़कर बाकी उनके घर के सभी लोग साथियों जला दिए गए थे तो वहाँ से ही उनकी शायरी का आगाज होता है कलीम आजिज की शायरी में मीर की तरह कनूतीत गालिब है जी अब जो इनकी तसानीफ़ है उसको हम लोग देखते हैं कली की पहला इनका शेरी मजमु है वो खुद है वो जो शायरी का सबब हुआ ये इनका पहला खुद शेरी मजमु भी है और खुद नविष्ट भी है उसके बाद दूसरा है साथियों जहां खुशबू ही खुशबू थी ये भी इनका खुद नविष्ट है अभी सुन लो मुझसे खुद नवि है यानी खुद इन्होंने ही लिखा था जब फसल बहारा आई थी ये गजल का मजमु है और यहां से काबा काबा से मदीना सफरनामा है एक देश एक विदेशी सफरनामा इन्होंने लिखा कोचे जाना जाना नजमों का ये मजमु है इनामत जो कलीम आजिज को मिले थे इनको आप देखिए कलीम आजिज को मीर एकादमी लखनऊ ने इम्तियाज मीर एवार्ड से उन्नीस में नवाजा था कलीम को ने से 1989 में से नवाजा था किस एवॉर्ड से पद्मश्री एवार्ड से कलीम आजिज को महकमा राजभाषा हुकूमत बिहार के जरिया एक लाख इक्यावन हजार रुपए का मौलाना मजहरुल हक एवार्ड 2001 में दिया गया था कलीम आजिज को मीर तकी मीर एवॉर्ड से 2008 में नवाजा गया था कलीम आजिज को गालिब अकादमी दिल्ली ने गालिब एवॉर्ड से 2012 में नवाजा था कलीम आजिज के कुछ मुंतब अशार हैं जिसको जानना बहुत ही जरूरी है और ये शेर बार बार पूछा भी जाता है इसलिए साथियों इसको आप एक बार देख लीजिए चमन अपना लुटाकर बुलबुले नादाह निकली बुलबुले नाद शाह निकली मुबारकबाद तेरी आरजू सयाद निकली है मेरा कातिल उन्हें कहते हैं सब और ठीक कहते हैं मेरा कातिल उन्हें कहते हैं सब और ठीक कहते हैं कसम सौ बार वो खाए कसम खाने से क्या होगा खुदारक सलामत तेरी चश्म बेमरवत को बड़ी बेदर्दी निकली है बड़ी जल्लाद निकली है ये कली माजि के ही शेर हैं और कली माजिश का एक गजल है जो कि बहुत आपने सुना होगा वो गजल ये है इस नाज इस अंदाज से तुम हाए चलो हो रोज एक गजल हमसे कहलवाए चलो हो रखना है कहीं पाओ तो रखो हो कहीं पाओ चलना जरा आया है तो इतराए चलो हो दीवाना गुल कैदिये जंजीर है और तुम क्या ठाट से गुलशन की हवा खाए चलो हो मैं में कोई खामी है न सागर में कोई खोट पीना नहीं आए तो छलकाए चलो हो हम कुछ नहीं कहते हैं कोई कुछ नहीं कहता तुम क्या हो तुम्हें सब कहलवाए चलो हो जुल्फों की तो फितरत ही है लेकिन मेरे प्यारे से ज्यादा तुम्हें बल खाए चलो हो वो शौक सितम गर तू सितम ढाए चले है तुम हो के कलीम अपनी गजल गाए चलो हो ये साथियों कलीम आजिज का एक मशहूर और फेमस जो है वो गजल है अब उसके बाद हमने कली माजिस के बारे में पढ़ा अब उसके बाद चलते हैं कि कली माजिस 1926 में पैदा हुए और 2015 में इनकी क्या हुई है वफात हुई है अब जानते हैं हयात वहर खिदमत शहर याद कौन है पहले आप एक चीज जान लीजिए कि भारत के अंदर साहित्य में यानी जो 22 लैंग्वेज भारती है भारतीय संविधान के अंदर इस 22 लैंग्वेज में अगर कोई सबसे अच्छा काम करता है तो उसको साथियों साहित्य एकेडमी के जानिब से ज्ञान पीठ इनाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है ज्ञान पीठ इनाम से नवाजा जाता है अब तक ये अवार्ड उर्दू में उर्दू के चार अदीब को मिला है अगर इसका नाम आप एक एक करके रखेंगे तो सबसे पहले मिला है फिराक गोरखपुरी को उसके बाद मिला है कुरतुल एन हैदर को किनको मिला है कुर्रतुल एन हैदर को उसके बाद मिला है साथियों अली सरदार जाफरी को किनको मिला है अली सरदार जाफरी को उसके बाद ये अवार्ड मिला है चौथे नंबर में, में शहर को तो यानी शहर जो है ये भी एक बड़ी शख्सियत है आज जानेंगे शहर के बारे में जी शहर यार हयात खिदमात शहर यार इनका असल नाम था कुंवर इखलाक मोहम्मद खान क्या नाम था कुंवर इखलाक मोहम्मद खान और ये तखलुस क्या करते थे शहर यार वालिद का नाम था कुंवर अबू मोहम्मद खान क्या नाम था कुंवर अबू मोहम्मद खान और वालिदा मोहतरमा का नाम था बिस्मिल्ला बेगम क्या नाम था बिस्मिल्ला बेगम पैदाइश जो है 16 जून 1936 सौ ईस्वी को बरेली में इनकी पैदाइश हुई थी और वफात जो है 13 फरवरी 2012 हजार ईस्वी को अलीगढ़ में इनकी वफात हुई है शहर यार तखलुस रखने का वाकया ये है कि हैदराबाद के शाह तमकनत ने शेर यार पर किसी महफिल में जोर डाला कि वो शहर यार अपना कलमी नाम रखें शाद तमकिनत की इस तजवीज़ को सबने पसंद किया खलील रहमान आजमी ने कहा कि कुंवर का मुतबादिल शहर यार है इसलिए तुम अपना नाम शहर यार रख लो शहर यार ने इस तज़वीज़ को मान लिया और वो कुर अखलाक मोहम्मद खान से शहर यार हो गए यानी कि खलील के कहने पर इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया शहर यार की पहली जो गजल है उसका नाम है मुशर्रब जो कि कराची में 1955 में शायरे हुई थी और उसके बाद शहर यार ने बाकायदगी के साथ शायरी उन्नीस में शुरू की थी और शहर यार का ताल्लुक सहाफत और फिल्मी दुनिया से भी था शहर यार ने अलीगढ़ मैगजीन माह गालिब हमारी जबान फ़िक्र नज़म शेर विकमत वगैरह की साथियों इन्होंने क्या किया है इदारत की है यानी मुदीर रहे हैं खलील रहमान आज़मी से शहर यार के गहरे मरासिम थे यानी उनसे इनको दोस्ती थी दिलचस्पी थी अगर मैं बात करूं तसानी के बारे में तो शहर यार की जो तसानीफ है उसको एक नजर आप देख लीजिए इसमें आजम पहला शेरी मजमु जो उन्नीस सौ पचपन में पैंसठ में शाये हुआ इसमें आजम के एवज ही इनको साथियों मिला था ज्ञानपीठ एवॉर्ड क्या मिला था ज्ञानपीठ एवॉर्ड जो है यही इसमें आजम के लिखने के एवज में मिला था सातवा दर उन्नीस में यह शेरी मजमु है हिजरे के मौसम उन्नीस में शाये हुआ का दर बंद है उन्नीस में शाम होने वाली है 2004 में शाये हुआ काफले यादों के उन्नीस में इंतखाब है धूप की दीवारें उन्नीस में शाये हुआ ये शहर यार की है उसके बाद आगे है मेरे हिस्से की जमीन ये कुलियाते हिंदी में है कुलियाते शहर यार पाकिस्तान से ये 2007 में शाये हुआ अब बात करते हैं इनामात की यानी जो इनको इनाम मिला है शहर यार को कौन कौन से इनाम मिले हैं इसको भी आप लोग देखिए शहरे यार को ज्ञानपीठ इनाम से 2008 में दिया गया था जो उनके पहले शेरी मजमुआ इसमें आजम के एवज इनको यह इनाम मिला था शहरे यार को उनके दूसरे मजमुआ सातवा दर उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी इनाम से 1971 में नवाजा गया था किससे सातवा दर जो दूसरा शेरी मजमुआ है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने दो हजार में इनको नवाजा था यार को साहित्य अकादमी अवार्ड से उन्नीस में नवाजा गया और शहर यार को फिराक सम्मान अवार्ड से उन्नीस में नवाजा गया था तो साथियों आज के इस अहम वीडियो में हमने जाना कलीम आजिज के बारे में और शहरे यार के बारे में तो आप सभी लोग बताइए कि आज का ये अहम क्लास कैसा लगा और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई ऐसे साथी हैं जो सी टेट क्लियर कर रखे हैं ठीक है या वो साथियों ध्यान दीजिएगा या वो एस टेट क्लियर कर रखे हैं बिहार वाले अगर वो बिहार से हैं तो इनका साथियों बिहार में जो है वो सुपर टेट होने वाला है सुपर टेट के अंदर अभी तो इसका सिलेबस जारी नहीं हुआ है लेकिन चूंकि साथियों एग्जाम जो है बिहार में बी कंडक्ट कराएगी तो बी के अंदर बिहार सामान्य ज्ञान आपको बहुत पूछा जाता है यानी बिहार जीके से बहुत क्वेश्चन आता है तो हम जो है रमज़ान चल रहा है और इसका शाम में बिहार जीके का मतलब हम क्लास लाने वाले हैं तो अगर आप में से कोई भी साथी क्लास कर रहे हैं तो आप जरूर जुड़िएगा अब फ्री ऑफ कॉस्ट अभी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा बाकी सिलेबस जब जारी होगा तब उसका नोट्स वगैरह जो भी आपको चाहिए तब मिलेगा ठीक है किसी को और कुछ पूछना है ठीक है मानो बीएड का फॉर्म निकला है सर अभी तो नहीं निकला है ठीक है सर डीएलएड की क्लास क्यों नहीं हो रही है डीएलएड का सिलेबस तो आपका कंप्लीट है जी ठीक है चलिए बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया थैंक यू मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ जब तक के लिए खुदा हाँ।